हम जितने सारे हैं हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, या और अच्छी तरह से हम बोलें हम रूपानुगत हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के। जो प्रथम अनुगामी हैं वह है रूप गोस्वामी, और श्री रूप गोस्वामी वो चैतन्य महाप्रभु को अपना प्रणाम निवेदन करके बोल रहे हैं, नमो महापदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। वो बोल रहे हैं कि नमो महापदान्याय, हे महापदान्य चैतन्य महाप्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु वो बोल रहे हैं कि अरे रूप, तुम पागल हो गए हैं क्या? हमको नमो महापदान्याय बोल करके क्यों प्रणाम करते हो? मैं क्या दान करता हूँ? अरे मैं भिखारी हूँ, मैं कांगाल हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मेरे पास क्या है मैं दे सकता हूँ? फिर रूप गोस्वामी बोलते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे दानी हैं जो कि धनहीन को धन देते हैं, क्षुधार्त व्यक्ति को खाना दिलाते हैं, रोगियों को औषध दिलाते हैं, ठंडी में जो कांपते रहते हैं उनको कंबल देते हैं। लेकिन ये जितना सारे दान है ये क्षणस्थायी है, अस्थाई है, ये जागतिक है। लेकिन आप जो दान करते हैं उसी दान को प्राप्त करने के लिए शिव और ब्रह्मा भी तड़पते रहते हैं। वो क्या है ना, आप कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप कृष्ण प्रेम को दान करते हैं। फिर महाप्रभु बोलते हैं अरे क्या पागल की तरह बात कर रहे हो, कृष्ण का प्रेम दूसरा कोई दे सकता है कृष्ण से भिन्न? मैं किसी को प्यार करूंगा या कौन व्यक्ति किसी को प्यार करेगा? दूसरे बोलने वाला कौन है? वो तो अपने का सिद्धांत है। हम किसी से प्यार करना चाहते हैं या हमसे कौन प्यार करना चाहती है या चाहता है, वो तो अपने का सिद्धांत है। कृष्ण प्रेम जो बात है वो तो कृष्ण ही दे सकते हैं, दूसरा कोई तो नहीं दे सकते हैं। तुम पागल की तरह क्यों बात कर रहे हो? तो फिर रूप गोस्वामी बोल रहे हैं आप तो कृष्णाय, आप तो कृष्ण ही हैं प्रभु जी, आप नमो महापदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप महापदान्य हैं, आप कृष्ण प्रेम को प्रदान करते हैं और आप स्वयं कृष्ण हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। लेकिन आप इस जगत में अवतरण करके संन्यास लिए हुए हैं और श्री कृष्ण चैतन्य नाम को धारण किए हुए हैं। हे गौरांग महाप्रभु, मैं आपके चरण पर मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो उनके जो आदर्श है, जो उनके जो मतवाद है, उनके जो सिद्धांत है, चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग उस सिद्धांत पर बड़े आदर करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत बहुत बड़ा आदरणीय है भक्तों के समाज में। और चैतन्य महाप्रभु का मत क्या है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेमापुमर्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदम तत्रादरो न परः। आराध्यतम भगवान कौन है? चैतन्य महाप्रभु का कहना है वो दूसरा कोई नहीं, ब्रज के राजा नंद महाराज के जो लड़का है वही है आराध्यतम भगवान, वही ही स्मर्तव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। वो कहाँ रहते हैं, उनका ठिकाना क्या है? तद्धाम वृंदावनम, वो वृंदावन में रहने वाले हैं। गोलक नाम निज धाम नितले च तस्य, वो गोलक नामक धाम में नित्य निवास करते हैं। गोलोक निभसती अखिलात्मभूतो,
वो गोलक नामक धाम में निवास करते हैं, तो उसी भगवान को कैसे पूजा किया जाए और उनको पूजा करने में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता। ब्रजवधु गोपियां और गोपियों से श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी, वो है भगवान के श्रेष्ठ आराधिका, आराधना करने वाले। उन्होंने जिस तरह भगवान को आराधना किए हुए हैं वही आराधना सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सारे लोग आराधना करते हैं, ध्यान आसन पाद्य आवाहनम आसनम पाद्यम अर्घ्यम आचमनम मधुबर्क पुनराचमनीयम स्नानीयम वस्त्रम यज्ञोपवीतम गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबुल अखंड इत्यादि इत्यादि, दक्षिणा प्रणाम स्तुति आरती निराजन, बहुत प्रकार की पूजा या आराधना होता है। वेद स्तुति किया जाता है, ओम कृष्ण वे सच्चिदानंद घन कृष्णादि पुरुष कृष्ण पुरुषोत्तम ओम द विष्णु परम पदगम, बहुत सारे पूजा ब्राह्मण लोग बोलते रहते हैं। राधा रानी कैसी पूजा करती है, गोपियां कैसे पूजा करते हैं, तो गाली देते हैं ये कृष्णों को जबरदस्त गाली देते हैं, ये कृष्णों को भगवान मानते नहीं है, लगता है कि ये सबसे बड़े नास्तिक हैं, सबसे बड़े नास्तिक ऐसा लगता है। एक बार नंद महाराज को, जब नंद महाराज ने गोवर्धन धारण किया, दावानल को पान किए, तब नंद ब्रजवासी लोग नंद महाराज को बोल रहे हैं कि अरे नंद तुम बड़ा गलती कर रहे हो भाई, अरे तुम अपने ये जो छोटा सा बच्चा है कृष्ण उसको तुम अपना बेटा सोच रहे हो, ये गलत है, अरे ये जरूर भगवान होगा, ये विष्णु या विष्णु का अंश या ऐसा कोई बहुत बड़ा होगा। फिर नंद महाराज बोल रहे हैं कि ऐसे बात तो गर्गमुनि में भी बोले थे मुझे, जब नामकरण के लिए आए थे वो भी मुझे कुछ हिंट्स दिए थे, सूचना दिए थे कि कृष्ण जो है ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये हो सके कि भगवान है। लेकिन मेरे मन मानने के लिए प्रस्तुत नहीं है इस बात को, सोचो भले अगर ये भगवान होता इसको दिन में 1000 बार भोग क्यों लगता, खाली खाने के लिए प्रस्तुत है, हमारे घर में इतना खाने का चीज है उसमें भी उसका पेट नहीं भरता है, ये गोपियों के घर में जाकर के चोरी करता है, भगवान को इतना भोग लगता है क्या, सोचिए। फिर बोलते हैं अरे भगवान का नाम श्रवण करने से यमराज जो कि समस्त भय भी जिसको भय करता है वैसे यमराज भी बड़े भय से कांपते रहते हैं, जद विवेति स्वयं भयम्। और ये जब बिल्ली देखता है पापा खा करके हमारे सीने पर उठ जाता है, वो जब चौकाट पार करने के लिए सोचता है, थ्रेशोल्ड क्या बोलता है हिंदी में बोलिए, घर का होता है ना दरवाजे में चौकाट ही बोलता है, वो चौकाट जब पार करने के लिए सोचता है तो उसको मम्मी को बुलाता है, मम्मी हेल्प मी, फिर हम दोनों उसके दो हाथ पकड़ करके उस चौकाट को पार करवाते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। गोपियां स्वयं भगवान बोलते हैं कृष्ण अरे हमें मत गाली दो, स्वयं भगवान है, भगवान है, हम जो मांगेंगे तुमको वही देना पड़ेगा, हम जो बोलेंगे तुमको वही करना पड़ेगा। तो गोपियां कहते हैं हट, तुम कहां के भगवान यहां चले आया, शर्म नहीं लगता तुमको,
कैसे भगवान हो तुम? अरे मैंने गोवर्धन धारण किया। अच्छा, तुमने गोवर्धन धारण किया? हाँ, और किसके तरफ तुम देख रहा था? राधारानी की तरफ देख करके ऐसा लगता था तुम जब देखता था तो कि रोते हो व्याकुल होकर के। फिर हमने देखा कि ये नहीं पकड़ पा रहा है, उसीलिए हम सब मिल करके लाठी पीस ऐसे लगाए, हमने नहीं पकड़े थे। तुम भगवान हो गया, भागो यहां से। कभी कभी भगवान बोलते हैं, अरे हम राजा के लड़का है, भगवान है भगवान। और खेल का नियम ऐसा है कि कोई भी पक्ष वाले हार जाएंगे तो अपर पक्ष के लोगों को ढोना पड़ता है कंधे में। भगवान कभी कभी हार जाते हैं खेला में, तो हारना पड़ता है। हार गए तो फिर दूसरे सखा लोग बोलते हैं कि अरे अभी ढो लो भाई, ढो हमको, उठाओ कंधे में। अरे हम नहीं उठाएंगे, हम राजा के लड़के हैं, भगवान है। तो भगवान है, राजा का लड़का हो, यहाँ ये सब राजा का लड़का फड़का कुछ नहीं चलेगा खेला में। अगर तुम नहीं हमको ढोगे ना, काल से फिर यहाँ पूरा तुम्हारा खेला बंद। और भगवान तो खेलने के लिए आए हुए हैं, इतना बड़ा कैसे वो रिस्क ले सकते हैं? बोले नहीं 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 भाई, तो सर्वनाश हो जाएगा, हमारा अवतार का जो कारण है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर भगवान ढो लेते हैं। ब्रह्मा जी भी सोच नहीं पाते हैं, ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अरे ये कृष्ण क्या भगवान है, दूसरे के झूठा खाने वाले। भगवान तो दही भात खाते थे, दही भात, हमारे साउथ इंडियन लोग इसको पकड़ लिए हैं, दही भात के साथ आचार खाते हैं, पूरा दही भात, एक गोला दही भात यहाँ रखते हैं ऐसे, दोनों अंगुली के फांक में बहुत प्रकार के आचार, कुल का आचार, आम के आचार, नींबू के आचार, लंका के आचार, वैरायटीज 25-30 वैरायटीज के आचार यहाँ रख करके खाते हैं। थोड़ा भात खाते हैं फिर आचार खाते हैं, जैसे बिल्कुल साउथ इंडियन लोग ऐसे ही खाते हैं। ये जो भगवान का जो खाने का जो स्टाइल है, ये साउथ इंडियन लोग बिल्कुल हाईजैक कर लिए वृंदावन से। और अभी वृंदावन वाले रोटी खाते हैं, चलो देयर इज नो फन इन ईटिंग रोटी। देखिए तो फिर जब आचार किसी को अच्छा लगता है कि अरे मेरे मैया ने क्या सुंदर अच्छा फर्स्ट क्लास आचार बनाई है यार, बहुत अच्छा लगता है, भगवान बोलते हैं कि मुझे दे। कृष्ण बोलते हैं अरे मैं तो खा लिया ना, तो फिर क्या हुआ, दे निकाल निकाल बोलता हूं। तो 60% आचार भीतर गया है और 40% बाहर, दांत के बाहर और 60% दांत के भीतर। भगवान को इतना लोभ लग जाता है क्योंकि उनके उनके मुंह में इतना रस निकलता है, पानी निकलता है, कि वो जाते हैं और तुरंत उसके मुंह से मुंह लगा करके अपने दांत से वो क्या करते हैं, बाकी 40% आचार को जबरदस्त लेके आके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जब ब्रह्मा जी जब देखते हैं, अरे ये भगवान है, दूसरे के झूठे खाने वाले, समझ में नहीं आता है, समझना मुश्किल है। और अगर कभी कभी भगवान लगता है कि कोई भगवान भी है ही तो स्वयं, गोपियां बिल्कुल चिंतन ही नहीं करते हैं, चलो भगवान है भाई नमस्कार। रासस्थली से जाकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपियां ढूंढते रहते हैं कि भगवान कहाँ है, ढूंढ के अगर गुफा पर आ गए और भगवान देखे कि अरे अभी तो हम पकड़ा जाएगा यार, क्या करें। तुरंत उन्होंने क्या किया, विष्णु का रूप धारण कर लिया, शंख चक्र गदा और पद्म। गोपियां ढूंढ रहे हैं हर जगह पे, गुफा गुफा में जाकर भी ढूंढ रहे हैं ये, यहाँ कृष्ण है क्या? तो जहाँ कृष्ण थे वो तो चतुर्भुज हो गए हैं, वहाँ गोपियाँ आए, देखते हैं कि वो विष्णु है। देखिए विष्णु है, ओ विष्णु, ओम नमो नारायण, चलो हमको इनसे क्या काम है। वो जानते हैं भगवान नारायण विष्णु, विष्णु जो है वो भगवान है, लेकिन भगवान से भी उनको मतलब नहीं है, इतना नास्तिक है, उनको तो कृष्ण को ही चाहिए। सोचिए, तो ये जो बोल रहे थे ब्रजवधू ब्रगेण जाकल पिता, तो ब्रजवधू जिस प्रकार के पूजा करते थे, ओनमो नारायण करके पूजा नहीं करते थे, घंटी बजा करके गाली देकर के पूजा करते थे। अरे बेशरम, अपने को भगवान बोलने वाले कहां गए थे? ये भी एक मंत्र है,
और भगवान बोलते हैं कि ये गोपियां मुझे जिस तरह से गाली देती है ना, ये वेद उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों के वेद स्तुति से, वेद की जो ऋचाएं हैं उससे भी मुझे अच्छा लगता है इनके गाली। सोचिए इनकी जो पूजा है, इनका जो आराधना करने की जो स्टाइल है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि सबसे बड़ा पूजा है। और प्रमाण क्या है, भगवान कुछ भी बोलते हैं लेक्चर देना बहुत आसानी की बात है, लेकिन उसी लेक्चर को कैसे प्रमाण किया जाएगा। अगर भागवत नहीं होता तो भगवान का श्रीमद् भगवत गीता, जो कि कुरुक्षेत्र में रथ के ऊपर भगवान खड़े खड़े होकर के जो प्रवचन दिए, ये केवल थ्योरेटिकली लेक्चर ही हो जाता, भाषण ही होकर रहता। और भगवान भगवत गीता में जो भी बोले हुए हैं उसका सत्यासत्य जो प्रमाण है, अगर आपको लेनी चाहिए तो भागवत पढ़ना पड़ेगा। भगवान जब बोलते हैं कि सर्वलोक महेश्वरम, प्रमाण भी करते हैं, जो कोई भी बात बोले हुए हैं भगवत गीता में, भगवान भागवत में उसको पूरा हम जाएंगे तो भगवत पढ़ेंगे तो उसका प्रमाण मिल जाएगा। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अवलम प्रेमा पुमर्थ महान, एवं प्रेम जो है ये जीवन के पंचम पुरुषार्थ है। श्री चैतन्य महाप्रभु और मतमिदम तत्राधरो न पर, यही चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत है, ये महाप्रभु के मत है, इसी मत में हम लोग आदर करते हैं, और इसके इस मत के भिन्न हम दूसरे कोई मत को आदर नहीं करते हैं। जो तो मत तत्वपत ये सब हम नहीं मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु के मत को हम मानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरो न परः, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोले हुए हैं, अगर आपको पूछा जाए तो भगवान कृष्ण गीता में सबसे बड़ा उपदेश क्या है भगवान का, सभी उपदेश ही पड़ा है, लेकिन सबसे टॉप जो कि अवश्य ही करनी चाहिए वो क्या है, बहुत लोग बहुत प्रकार की बातें करेंगे। अगर भगवान को पूछा जाए तो भगवान क्या बोलते हैं, आइए सुनेंगे। भगवान बोलते हैं कि सर्वगुज्जतमं भूयः श्रुणुमे परमं वच, इष्टोऽसि मे दृढमिति वक्ष्यामि ते तत्काम्यया। कि हे अर्जुन, सर्वगुज्जतम गुह्य गुह्यतर गुह्यतम सर्वगुह्यतम, सुपरलेटिव डिग्री से भी बड़ा है सर्वगुह्यतम, द टॉप सीक्रेट अमंग ऑल द सीक्रेट्स। भूयः सुनो, बार बार सुनो और भी सुनो, वो क्या है, मैं परमम बचा, मेरा सुप्रीम इंस्ट्रक्शन, मेरा परम निर्देश, जो कि अवश्य ही मानना चाहिए, जितना मैं निर्देश दिया हूँ ये सबसे बड़ा निर्देश है। इष्टोऽसि मे दृढमिति वक्ष्यामि ते तत्काम्यया, अत्यंत दृढ़ता के सहित मैं तुमको बोलूँगा, ये निश्चित बात है। तो किस लिए बोलूँगा, ते हित काम्यया, तेरे हित के लिए। क्यों तेरे हित के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि तू मेरे भक्त है, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तमम। फिर भगवान बोल रहे हैं कि मन्मना भव मत भक्त मज्जाजी माम नमस्कुरु। भगवान बोल रहे हैं कि मन्मना सदा सर्वदा मेरे बारे में चिंता करो, मेरे स्मरण करो। भगवान बोलते हैं कि मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध के समय भी मेरे ही स्मरण करो। बहुत कठिन की बात है, कोई भी कभी भी कब मार सकता है, फिर भी भगवान को स्मरण करना। चलो मृत्यु के समय तो कभी कभी स्मरण करना हो ही जाता है, जब आप द्वारका जब बद्रीनाथ जाते हो, केदारनाथ जाते हो, देखते हो कि बहुत बड़ा पहाड़ है, अगर थोड़ा सा घोड़ा का पाय खिसल जाए तो बिल्कुल वहाँ मरना ही पड़ेगा, तो लोग वहाँ भय में जय बाबा बद्रीनाथ, जय बाबा केदारनाथ, जय माँ जमुना देवी, जय गंगे देवी बोलते रहते हैं भय में।
हो सके कि युद्ध में भी भय के मारे हो सके कि भगवान का नाम याद आ जाएगा, लेकिन सबका याद नहीं आता है दुख में। भगवान बोलते हैं युद्ध महामनुष्य मनो युद्ध, और गोपियां जो हैं जब उद्धव बोलते हैं उनको कि रे तो गोपियां कृष्ण नहीं है तो क्या हो गया, वो तो भगवान है उनको स्मरण करो। और गोपियां बोलते हैं कि रे स्मरण करने की बात करते हो, हम उनका विस्मरण करने के लिए उनके साथ जो नाता तोड़ने के लिए उनको पूरा भूलने के लिए हम कितना कोशिश करते हैं, हम भूल नहीं पाते हैं, और तुम आकर के बोल रहे हो कि स्मरण करो। देखिए इनका स्मरण का डिग्री इतनी बड़ी है, ये लोग कितना भी चाहे भूल जाएंगे कृष्ण को, वो कृष्ण को भूल नहीं पाते हैं कभी भी नहीं। राधा रानी बोलती है अरे हमारे ये नील पट्टांबरी जो है उसको खोल दो, ये नील साड़ी जब देखते हैं तो कृष्ण का याद आ जाता है, हमको दूसरा कोई साड़ी पहनाओ। हमारे ये जो काले काले घुंघराले चूल जो केस है इसमें ला करके चूना बोल दो, चूना लगा दो, सफेद कर दो। जो तिल है इसे तिल के ऊपर तिलक लगा दो, या मतलब कोई माटी वाटी लगा दो। ये तिल देखते हैं तिल काला है तो कृष्ण का याद आ जाती है। क्या किया जाएगा, फिर सोचते हैं कि मैं क्या करूं, कहीं भी देखूं तमाल को देखते हैं काला है, कौवा को देखते हैं काला है, कोकिल को देखते हैं काले है, जो भी जहां भी देखते हैं काले चीज जब सामने चले जाता है तो फिर कृष्ण का याद आ जाती है। जहां जहां नेत्र स्पुरे, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्पुरे। फिर साधारणी सोचती है कि मैं आंख बंद कर लूं, और आंख जब बंद करती है तो अंधकार ही अंधकार, काला ही काला, पूरा पूरा कृष्ण का याद। फिर राधारानी सोचते हैं कि मैं क्या करूं, कृष्ण चले गए, अक्रूर आकर के कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर चला गया। कृष्ण के विरह में जीवन धारण करना गोपियों के लिए, राधारानी के लिए, गोपों के लिए, और विशेषतः पिता माता नंद बाबा और यशोदा मैया के लिए बहुत भारी पड़ा। भगवान भी 5 दिन 6 दिन हो गया, वो बोले थे कि हम जरूर चले आएंगे 2-4 दिनों में, आए भी नहीं। भगवान को यह भी मालूम पड़ गया कि गोपियां ब्रजवासी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, उसीलिए गोपवासियों को, ब्रजवासियों को आश्वासन देने के लिए उन्होंने उद्धव को भेजे। एक्चुअली उद्धव को भी कुछ पढ़ाना चाहते थे, यद्यपि ये सारे विश्व में जितने बड़े जितना सारे एजुकेटेड लोग थे, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर, इसमें से वो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए थे, इनके लिए तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिला पूरा विश्व में, इनको तो स्वर्ग जाना पड़ा, हेवन फेरते वो। और किसका यूनिवर्सिटी में पढ़े, देवगुरु बृहस्पति की यूनिवर्सिटी में। देवगुरु बृहस्पति तो उनके दूसरे शिष्यों को कोई शिष्य के माध्यम से भी पढ़ाना शुरू कर देते थे कि भाई तुम उसको ये पढ़ाओ, तुम उसको वो पढ़ाओ, लेकिन देवगुरु बृहस्पति उद्धव को स्वयं पढ़ाए पाठ। फिर भी भगवान सोच रहे हैं कि ये तो बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन अभी भी एक विद्या उसको मालूम नहीं है। वो क्या है, सब विज्ञान उसको मालूम है लेकिन प्रेम विज्ञान इसको मालूम नहीं है। कृष्ण प्रेम की जो विज्ञान है, ब्रज प्रेम की जो विज्ञान है, इस उद्धव को मालूम नहीं है, इसको ये भी पढ़ना चाहिए। और कौन पढ़ाएगा, स्वयं भगवान भेजे हुए हैं उनके गोपियों के द्वारा इस शिक्षा को उसको प्रदान करने के लिए। उद्धव गए, उद्धव जाने के पहले वो बोल रहे हैं कि उद्धव मेरे पिता माता के पास जा करके बोलना, मेरे माँ के पास जा करके बोलना, मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है वैसे ही बोलना। कृष्ण बोल रहे हैं कि भैया मैं 5-6 दिन हो गया, मैं अभी मथुरा में हूँ, मुझे यहाँ कोई भी कान्हा बोल करके नहीं बुला रहा है, तेरा जो कान्हा जो नाम है जो प्यार से मुझे बुलाती हो, मुझे बहुत प्यारा है,
मुझे तो यहाँ बहुत लोग रेस्पेक्ट देते हैं, ये कान्हा नाम सुनने के लिए नहीं मिलता है। और दूसरी बात ऐसा है कि मुझे यहाँ फ्रेश मिल्क नहीं मिलता है। मैं तो ब्रज में, मेरे एक नाम छैया है, मैं क्या करता हूँ कि ब्रज में क्या करता था कि बिल्कुल गाय को दूध करके धू करके सीधा मुंह में पी लेता था। तो यहाँ तो लोग मुझे बासी दूध पिलाते हैं भैया, मैं क्या बोलूँ। अरे सुबह का दूध रात को खिलवाते हैं, शाम के दूध सुबह पिलाते हैं, मुझे वो फ्रेश मिल्क जो मैं गाय को धो करके जो पीता था डायरेक्ट, वो मुझे नहीं मिलता है। मुझे यहाँ आनंद नहीं है। मैं जल्दी से जल्दी मैं वापस चले आऊँगा वृंदावन, गोकुल ब्रज में। जब तक मैं वृंदावन या गोकुल नहीं आ रहा हूँ ना, एक मेरे जो चीज मैं तुमको दिया हुआ हूँ, मेरे बंसी को और मेरे लगुड़ी, क्या बोलते हैं, लाठी को दिया हूँ, लाठी बोलते हैं ना, छड़ी, इसको ध्यान पूर्वक रखना। ये ब्रज में एक चोरनी है और राधा है उसका नाम, वो मेरे बंसी को चुराने वाली है, बहुत बार चोरी कर ली है, वो आकर के चोरी ना कर पाए, बड़े सावधानी से मेरे बंसी को रखना, ऐसे कह करके उद्धव को भेजे। उद्धव सम को समझाए, 3 महीना उद्धव रहे। एक दिन एक गोपनारी वो बोल रही है, वो थी वैसे बोल रही है कि देखो सखी, हमको कृष्ण के विरह में जीना असंभव है, मैं उसी लिए सोची हूँ, मैं ये सिद्धांत ली हूँ कि मैं मर जाऊँगी, उसीलिए तुम मुझे जमुना के तट पर ले जाओ, जमुना के जल में मुझे स्नान करवाओ जल में, और मुझे नील वस्त्र परिधान करवाओ, मेरे सर्वांग में तिलक करवाओ, कपोल में और गात्र में श्याम नाम लिखो, और इसी श्याम नाम पर तुलसी और तुलसी मंजरी दे दो चंदन के साथ, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई पार्थक्य नहीं है। और तुम सखियाँ मुझे परिवेष्टित होकर के बैठो और श्याम नाम को उच्चारण करो, और मैं उसी नाम को स्मरण करते करते, उसी नाम को मैं श्रवण करते करते मैं इस शरीर को त्याग दूँ, त्याग दूँ। ऐसे कह करके वो बेचारी रो रही है। उद्धव को मालूम पड़ा कि ये जरूर राधा रानी ही होगी। 3 महीना उद्धव वहाँ रहे, कृष्ण के विरह में वहाँ ब्रज में जो दुर्दशा है, उसी दुर्दशा को उद्धव ने प्रत्यक्ष किया। 3 महीना के बाद वो लौट जा रहे हैं मथुरा, और कृष्ण पूछ रहे हैं कि उद्धव, मेरे प्रिय ब्रजवासियों अभी भी जीवित है ना, राधा रानी अभी जीवित है ना, मेरे पिता माता कैसे हैं, सब कुछ पूछ रहा है। फिर उद्धव वो बोल रहे हैं कृष्ण के पास कि हे कृष्ण, तुम्हारे विरह में ब्रज की जो दुर्दशा है, इस दुर्दशा के बारे में मैं क्या बोलूं। वहां आप जो श्रीमती राधा रानी की जो बात कर रहे हो, वो राधा रानी वो तो अपने विनाश चिंता करती है, अपने सोचती है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये सोच सोच करके फिर बोलती है, एक बार तो ऐसा है वो एक कौवा को देखी राधा रानी ने, और कौवा को बोलती है, कौवा तुम वृंदावन जा रहे हो ना, मथुरा जा रहे हो ना, तुम इधर उधर मत देखना, सीधा मथुरा में चले जाना, और कृष्ण वहाँ जो मथुरापति जो हैं उनको पूछना, हे मथुरापति, अगर किसके मकान में, किसके घर में आग लग जाए तो उसी मालिक का क्या कर्तव्य है। यही कर्तव्य है ना कि घर में जितना सारे पशु हैं पहले उनको मुक्त कर देना, जो जीव हैं, बूढ़ा बूढ़ी हैं, बच्चा है, वो ताला खोल करके उनको भगाना जरूर घर से, नहीं तो वो जल करके मर जाएंगे। अगर यही बात सच है तो उस यदुपति कृष्ण को बोलो कि हमारे ये शरीर रूपी गृह में, शरीर रूपी घर में, मकान में आग लग गया है, और ये आग दूसरा कोई नहीं लगाया है, ये आग वो कृष्ण ही लगाया है, ये विरह का आग है, विरह अग्नि है, विरह का अनल है, छिटकानी या अर्गल भी बंद करके चला गया, ये तो उचित नहीं है। उसी कृष्ण को आकर के बोलो, ब्रज में आकर के ये छिटकानी
या ये ताला या अर्गल को खोल दे। वो अर्गल क्या है अगर वो पूछेगा तो अर्गल क्या है, अर्गल कैसे लगाया, फिर जाकर के उनको बोलना यो अर्गल वही है कि तुमने जो वादा किया था कि हम 4-5 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी हम जरूर ब्रज में वापस आएंगे, वही अर्गल है, वही अर्गल है। तो फिर आदरणीय सोचती है कि एक बार तो जरूर कृष्ण आएगा। अमार संधान लगी प्रियतम कृष्ण भाभी काले ब्रजयासी हो या सतृष्ण, जरूर ब्रज में आएगा। अमार मरण कथा जब लोक मुखे, जब हमारे मरण की वार्ता वो लोकमुख में सुनेगा, सुनीते हृदय कभू ना पाई बे सुखे, तब उसको सुख नहीं मिलेगा, मन में बड़ा दुख होगा। दोईते दुख भार विचार करिया, तो प्रियतम के ये दुख की बातें चिंता करके कभू मृत्यु वांछा नहीं करे मोर हिया। राधारानी बोलती है कि हमारे मन, हमारे जो हिया है, हृदय है, कभी भी मृत्यु वरण करने के लिए नहीं सोचती है। अगर वो आकर के बोल देंगे कि उपराज में नहीं आने वाले हैं, तो हमारे ये हृदय में जो हमारे प्राण रूपी पशु है, उस पशु को हम जल्दी से जल्दी बाहर कर देना चाहते हैं। मरने के लिए सोचती है, बेचारी मर नहीं पाती है। ये गोपिया की दशा है, ये राधारानी की यही दशा है। केवल इतना ही नहीं, उनको मन के मन में जो उद्वेग है, जो मेंटल जो वो फिर क्या है, वो सो नहीं पाती है, चिंता में डूबी हुई है और नींद भी हराम हो गई है। वो ललिता को बोल रही है, प्रिय सखी विशाखा के राधा ठाकुरानी, भाग्य ही ना जानी तेह कहिले को बाणी, प्रियतम दरसेन सपनेर काले, जे नारीर घटे तार धन्य लिखे भाले, कृष्णेर गमन हले निद्रा रूप अरि, छाड़ी आछे मम संग साधिते छे बैरी। वो बोल रही है कि प्रिय सखी विशाखे, हम कितना भाग्यहीना है, एक बार तो सोचो, कोई नारी के प्रियतम उसके स्वामी अगर दूर देश में चले जाता है और प्रियतम जो प्रिया जो है प्रिय के साथ उसका मिलना असंभव हो जाता है, उसी नारी कभी भी सपने में उसको पति को या उसको उसकी प्रियतम को देख लेता है, तो दूसरे नारियां कहते हैं कि तुम बड़ा सौभाग्यवती हो। अगर मैं भी मेरे कृष्ण को कभी सपने में देख लेती तो मैं अपने को भाग्यवती सोचती। लेकिन मेरे दुर्भाग्य यही है, जब कृष्णश्याम सुंदर हमको छोड़ करके चले गए मथुरा, तब ये नींद भी हमारे साथ दुश्मनी कर रही है और नींद भी हमसे दूर चली गई। ना मैं सो पाती हूँ, ना मैं सपना देख पाती हूँ। जब सोती नहीं हूँ तो सपना कैसे देखूँ, तो सपने में भी कृष्ण का दर्शन मेरे लिए असंभव हो गया। वो जागृत रहती है। तीसरी है मेंटल एजिटेशन। ललिता के कहे राधा सुमुखी ललिते, दोहीचे हृदय मम नापारी बोलिते, हाय की करीब देखी जलधि अपार, नमी आमी तब पदे करह विचार, उपदेश दाओ मरे किबा आमी करी, छनकेर तरे किछु धर्ज किछु धरी। तिन ललिता के बोलछे नये ओई सुमुखी ललिते श्याम सुंदरेर विरहे, आमार दुर्दशार कथा आमी आर कि बोलबो, किभावे आमार हृदय जे दग्धीभूत हच्छे তা বলার জন্য ভাষা আমার মুখে নেই। আমি তোমার পায়ে পড়ি, তুমি দয়া করে আমাকে বলো কিভাবে আমি ধৈর্য ধারণ করে থাকবো। এ হলো উদ্বেগ। আর চতুর্থ দশা হচ্ছে তনুচ্ছিন্নতা। চিন্তায় ডুবে আছে, খাওয়া দাওয়া বন্ধ, ধৈর্য ধরতে পারছে না, শরীর কিভাবে ঠিক থাকবে, শরীর একদম ক্ষীণ কায়া। উদ্ধব বলছেন কৃষ্ণের কাছে, যদুপতি কি বলিব সেই সব কথা, হে যদুপতি আমি সে রাধারানীর দুর্দশার কথা কি বলবো, তোমার বিরহে রাধা পায়ে যে যে ব্যথা, তোমার এই বিরহমে রাধারানী কিস প্রকারকে ব্যথা সে ব্যথিত হো রহি হ্যায়, মে ক্যা বলুম। মলিন বিবর্ণ তার বদন কমল, উনকে যো বদন কমল হ্যায়, উকে যো মুখ চন্দ্রমা হ্যায়, मुख पद्म है, बिल्कुल मुरझा गई है, विवर्ण हो गई है, एवं उनके जो हृदय है दैन्य में,
उनके जो मर्मस्थल है दग्धीभूत हो रही है। कैसे? प्रचंड रुद्रताप में, जैसे पुष्करणी सूख जाती है वैसे ही तुम्हारे विरह रूप प्रचंड रुद्रताप में राधारानी के शरीर क्षीण हो गई है। उनके हाथ में शाखा या कंकड़ नहीं रह पाती है। इसके जो करपल्लव के जो कनिष्ठ मुद्रिका है, वो मुद्रिका अभी कंकण के काम करती है, करता है। सोच लीजिए, मुद्रिका जो है अभी हाथ में शाखा जैसे वो पहनती है। आहार के भाव में उनके जो उन्नत वक्षस्थल है वो बिल्कुल सीने में वो समेट गया है। इतनी दुर्दशा है राधा रानी की। फिर क्या है, जो पांच नंबर जो है मलिनांगता, तप्त कांचन गौरांगी और तप्त कांचन गौरांगी नहीं रही। तप्त कांचन गौरांगी तो बिल्कुल काला पड़ गई है। जैसे प्रचंड रुद्रताप में कमल के फूल, पद्म फूल जैसे मुरझा जाती है, सॉरी सेफला फूल जैसे मुरझा जाती है। सेफला मालूम है क्या? कुमुद को सेफला बोलते हैं, कुमुद लिली फ्लावर। वो लिली फ्लावर जैसे प्रचंड रुद्रताप में बिल्कुल मुरझा जाती है, या ठंडी के दिन में हिमकुंज या ठंडी कुआसा में शिशिर के संस्पर्श में आकर के पद्म फूल या कमल के फूल जैसे बिल्कुल काला पड़ जाती है। ऐसे तुम्हारे विरह में राधा रानी के शरीर पूरा काले पड़ गई है। फिर क्या है कि प्रलाप करती है, टॉकिंग लाइक ए मैड मैन। वो पूछ रही है जी, बोलो 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 सखी। कथारंत कुल ससधर सिकी चंद्र अलंकार कथा गेलो बोलो, गंभीर मुरली रवकारी कथा गेलो, इंद्र नीलमणि द्युति पुरुष उत्तम, रास रस तांडवी बा तव सुहृत्तम, मम प्राण रक्षा सौधी निधि कथा बोलो, धिक धिक भाग्य लिखी छिल यही फल। वो बोल रही है कि सखी बोलो, वा आनंद नंदकुल चंद्रमा, कथा है सही नंदकुल चंद्रमा नंद नंदन श्रीकृष्ण, कुआ सखी चंद्रकलाकृति, कथा है सही शिरे सिखी पुच्छ शोभित कृष्ण चंद्र, कुआ मंद मुरली रव, कथा है अमर सही मुरली वदन श्रीकृष्ण, कुआ नौ सुरेंद्र नील द्युति, कथा गल अमार से नील इंद्रमणि श्याम सुंदर, क्वा रस रास तांडवी, कथा अमर से राजबिहारी, क्व सखी जीव औषधीर निधि मम, कथा गल अमर से प्राण रक्षार औषधीर मत निधि, मृत संजीवनीर मत जीवन रक्षार औषधि, श्रोत्तम तब तुम्हार से श्रोत्तम कृष्ण कथाय, हा हंत हंत हा धिक विधि, हाय हाय धिक धिक এই বিধিকে, আমার এই জীবনে আমার কপালে এই কি লেখা ছিল। এইভাবে রাধারানী উনি নিজেকে নিজেকে একা একা বসে বসে প্রলাপ করছে। চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণনা করছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, হাহা সখি কি করি উপায়, কাহা করু কাহা যাও, কাহা গেলে কৃষ্ণ পাও, কৃষ্ণ বিনা প্রাণ, কৃষ্ণ বিনা প্রাণ যায় যায়। বলো সখি, হম কাহা যায়, ক্যা করেন, ওর কেসে কৃষ্ণ কো পায়, ওর কৃষ্ণকে বিনা হমারা প্রাণ রক্ষা করা বহুত মুশকিল হয়ে যাতা হ্যাঁ। হাহা কৃষ্ণ প্রাণধন, হাহা পদ্মলোচন, হাহা দিব্য সদ্গুণ সাগর, হাহা শ্যাম সুন্দর, হাহা পিতাম্বর ধর, হাহা রাস বিলাস নাগর, এসে কহ করকে রাধা রানী बेचारी रो रही है। फिर क्या है, व्याधि। केवल उतना ही नहीं, राधा रानी व्याधिग्रस्त हो गई है। राधा रानी श्री कृष्ण के विरह ज्वर उनके शरीर में इतना उत्ताप देती है, इतना उत्ताप देता है कि वो सहन नहीं कर पाती है। तो ललिता को बोल रही है कि विरहणी राधा कहे सुनो को ललिते, कृष्णेर विरह ज्वाला नापारी वर्णिते, मृणमय संपूर्ण तप्त जरूप कनक, गौरलादि हो तो क्षोभेर जनक।
राधा रानी बोलती है कि जैसे एक स्वर्णकार अलंकार बनाने वाले उस स्वर्ण को क्या करता है कि एक छांच बनाता है मिट्टी का, और फिर उसके ऊपर एक स्वर्णखंड देता है, इसके ऊपर फिर एक छांच दे करके क्या बोलता है वो जो फसफुस करके आवाज करता है, हापर, हापर में क्या करता है कि वो आग जलाता रहता है और इतना आग देता है कि वही आग से वो जो सोना है गल जाता है और छांच में आकर के उसका आकृति बन जाता है। उससे भी मेरे शरीर में ज्यादा ताप है कृष्ण के विरह में, उससे भी ज्यादा ताप है। और इंद्र के जो वज्र में जितनी शक्ति है, जितना विद्युत शक्ति है, उससे भी ज्यादा, हाँ मेरे ये शरीर में उससे भी ज्यादा ताप आ गया है। हाँ फिर बोलती है कि एक लाख बिच्छू काटने से जितना यंत्रणा होता है उसे भी ज्यादा कृष्ण के विरह में मैं मेरे शरीर में इतना यंत्रणा मैं भोग कर रही हूँ। इसी हिसाब से वो बिल्कुल व्याधिग्रस्त है। फिर वो पागल हो गई है, उन्माद। कहा जाता है क्रुद्ध वो कहे ना तब विरह कातरा, हे मुरारे राधा अकारण हास्य परा। तुम्हारे विरह कातरा राधा रानी जो है वो कारण में हंसती है, कभी कभी रोती है, कभी कभी उलट पुलट खाती है, कभी कभी उसका जो गला है रुद्ध हो जाती है, कभी कभी क्या बोलती है उसको कुछ मालूम नहीं है। चेतन वस्तु अचेतन वस्तु किसके बारे में उसका कुछ पता ही नहीं लगता है। सबको बहुत कुछ प्रश्न करते हैं, गृह मध्य भ्राम्यमाना कभी कभी ऐसे ऐसे ही घूमती रहती है और प्रश्न जिसको तिसको पूछती है, कौन सचेतन है कौन अचेतन है ये भी उसको मालूम नहीं है। फिर वो कभी कभी ये जो वृक्ष है गाछपाला है ये वृक्ष को पूछती है, वही आम्र पनस कटहल कदम्ब बकुल बिल्व निम्ब, बोलो बोलो तुम्हारे कृष्णा हमारे कृष्णा कहाँ है, यहाँ आया था क्या, तुमने उसको देखे हो। उत्तर ना पाया पुनः करे अनुमान, वो तो उत्तर नहीं देते हैं। फिर वह अनुमान कर लेती है, यही सब पुरुष जाति कृष्ण सखार समान। अरे ये तो कृष्ण के सखा के समान है, ये सब पुरुष जाति के हैं, हमारे जैसे नारी के हृदय ये कैसे समझ पाएंगे, ये समझ नहीं पाएंगे। फिर वो पूछती है, अरे तुलसी अरे मालती जूथी माधवी मल्लिके, तुम तो कृष्ण के प्रिय हो, तुम क्या कृष्ण को देखे हो, मेरा कृष्ण कहाँ है बोलो बोलो, ऐसे बोल करके वो सब लताओं को पूछती है। फिर वो क्या करती है कि तुलसी को पूछती है, नहीं 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 तुलसी तो कृष्ण प्रेयसी, नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रेयसी। वो पूछती है कि हे कल्याण प्रदे हे गोविंद चरण प्रिय हे तुलसी, तुम क्या कृष्ण को देखे हो, कृष्ण क्या तुम्हारे पत्ते से जो बनाया गया माला पहना हुआ था, तुम तो बोलो कहाँ कृष्ण है, तुम तो मेरे सखी हो, तुम बोलो कृष्ण कहाँ गए। इसे होकर के उन्माद जैसे वो पूछ रही है। और फिर क्या है कि मोह बिल्कुल मूर्छित हो गई है, मूर्छित होती है और सखियां सब देखते हैं कि अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। सखियां का धैर्य भी टूट जाती है, सखियां जाकर के नाड़ी पकड़ते हैं, हाथ देखते हैं कि नाड़ी पकड़ में नहीं आता है, छाती में हाथ रखते हैं वहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये भाई जीवित है या मृत है। और आकर के तुला के खंड थोड़ा सा तुला लेकर के नाक के सामने रखते हैं यही जानने के लिए कि राधा रानी जिंदा है या मुर्दा है, उसको भी समझ में नहीं आता है। इसी अवस्था से सब मोहग्रस्त हो गए, जितना सारे चंदन था ब्रज में सब चंदन पिसाया गया, फिर सब ला करके राधा रानी के शरीर में दे रहे हैं, पंखा कर रही हैं, फिर भी राधा रानी की होश नहीं है। डॉक्टर बुलवाए वैद्य को और वैद्य आकर के बोल दिया, समय भी दे दिया कि ये नहीं बचने वाली है, ये मरी जाएगी, चाहे एक घंटे में हो दो घंटे में हो आज तो जरूर मर जाएगी।
सभी लोग रो रहे हैं, सभी लोग रो रहे हैं। फिर ललिता ने चिट्ठी लिखी कृष्ण के पास, हंस के माध्यम में पठाए भेजती है। वो बोलती है कि कृष्णचंद्र तुम इतना निष्ठुर कैसे हो गए, अरे तुमने ही तो राजस्थल में हमारे प्रियतमा सखी को, प्रिय सखी को तुमने आलिंगन करके प्रणय सूत्र में आबद्ध किया था, आज तुम्हारा ऐसे क्या हो गया, इतना निष्ठुर कैसे बन गए तुम। हमारे प्रिय सखी का दशा यही है कि वो मृत्युशैया में सहायता है, उनका नाड़ी पकड़ में नहीं आता है, तुलाखंड लेकर के देखते हैं उसमें भी पता नहीं लगता है। तुमको जरूर ये संदेश मिलेगा दो चार दिन में, वो संदेश क्या है ना, राधा के मृत्यु संवाद। अगर ये समझ करके भी तुमको चिंता नहीं है, आनंद लगता है, तुम मथुरा में रहो, लेकिन बाद में ये ललिता को कभी बदनाम नहीं करना कि ललिता तुमने क्यों नहीं बोला जब मेरे राधे जब इसी तरीके में इसी कंडीशन में थी तो तुमको बोलने का था या नहीं, ऐसे मत बोलना। फिर आकर के सभी लोग राधा रानी को प्रणाम कर रही है, अपना शेष जो श्रद्धार्घ है वो निवेदन कर रही है पूरा व्रत के जितना तारे। और तब राधा रानी सखियों को लेकर के निधुवन में सोई है, बिल्कुल हाथ पैर शरीर नहीं चलता है, आंख बंद है तो बंद है। जो राधा रानी को बिल्कुल जो राधा रानी के विपक्ष में भी जो थे जैसे चंद्रावली, वो चंद्रावली आकर के राधा रानी के पैर पकड़ करके बोल रही है कि देखो राधे, ये ब्रज में तुम्हारे जैसे प्रिय सखी, ब्रज में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण हमारे कुंज में आते थे, ऐसा नहीं कि हमको बहुत पसंद करते हैं इसीलिए नहीं, कभी कभी तुमको घुसा में लाने के लिए, कि तुम जब घुसा में आते हो कैसे तुम्हारा मुंह लाल हो जाती है और कैसे तुम कृष्ण को गालियां देते रहते हो, तुम किस तरीका से मान करती हो और तुम किस तरीका से तुम कृष्ण को शास्ति देने के लिए सोचती हो, तुम्हारी ये लाल लाल मुंह से बिल्कुल रूठे रूठे आवाज सुनने के लिए कृष्ण बिल्कुल तरसते रहते हैं और तुमको घुसा में लाने के लिए कभी कभी हमारे कुंज में पधारते हैं और हमारे कुंज में भी आकर के केवल तुम्हारी बातें करते रहते हैं। मैं सच बोल रहा हूं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारा बहन हूं। और कभी कभी कृष्ण हमारे पास आते थे, लेकिन जब कृष्ण जब हमारे पास भी आते थे तो केवल तुम्हारे ही चिंता करते थे और कभी कभी नींद में कभी कभी ऐसे ही राधे राधे कहते थे। राधा रानी को सबसे बड़ी क्रिटिसाइज करने वाली थी कुटिला, जो कि राधा रानी के ननद थी। कुटिला आकर के बोल रही है कि राधे तुम हमको छोड़ करके मत जाना, तुम हमारे ब्रज के प्राण हो, मैंने बहुत निंदा की लेकिन कृष्ण ने मेरे गर्भ को चूर्ण कर लिया, मैंने जो तुमको राई कलंकिनी कहती थी, मैं जो तुमको कुलटा कहती थी, मैं जो तुमको थर्ड क्लास कह करके मैं बताती थी, लेकिन कृष्ण ने एक बार, तुमने तो सुना है तुमको सब मालूम है, फिर भी तुमको बतलाता हूँ कि एक बार कृष्ण को बहुत बुखार आया तो कोई भी वैद्य उस बुखार को ठीक नहीं कर पाए। फिर कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि मेरे बुखार तब अच्छा रहेगा कि कोई सती नारी यमुना से जल ला करके मेरे शरीर के ऊपर दे दे, मेरे मस्तक के ऊपर ढालें। तो सती नारी कौन है, तो सती नारी कौन हो सकती है, कुटिला के सिवा ब्रज में सती नारी है कौन, क्योंकि कुटिला ही बोलती है कि मैं ही एकमात्र सती हूँ, दूसरे सब असती है। हम ऐसा नहीं है, हम एक को शादी करेंगे और दूसरे के बारे में चिंता करेंगे, वो खुद कहती थी। सब सोचते कि चलो हो सकती है कि वो हमारे दुश्मनी करती है, लेकिन कृष्ण के लिए चलो कुटिला के पाँव में पड़ जाएंगे और कुटिला को बोलेंगे चलो कुटिले तुम जा करके पानी लेके आओ। तो कृष्ण बोले कि सती का भी परीक्षा तो होनी चाहिए, वो सती है या नहीं है कैसे मालूम पड़ेगा। ठीक है, बोलिए कैसे मालूम पड़ेगा, अगर एक कलसी में एक मटका में 1000 छिद्र किया जाए, 1000 फूटा होवे और वो छिद्र वाली मटका को लेकर के वो पानी लाएगी और उस छिद्र से एक बूंद पानी भी नहीं गिरेगी तो फिर उसको सती माना जाएगा। ऐसे सती हमारे मस्तक में यमुना के पानी ढालेगी तो हमारा बुखार दूर हो जाएगा। बहुत गर्व से
कुटिला बोल रही है, हम गए पानी लाने के लिए कोशिश किए और 5 सेकंड में सब पानी गिर गई। हमारा जो गर्भ था कि इतना बड़ा सती है, हमारा सती का गर्भ बिल्कुल चूर्ण कर दिए तुम्हारी ये कृष्ण। फिर क्या किया जाएगा, सती कौन है, कहाँ सती मिलेगा? सब गोपियाँ सोचते हैं कि अरे यार हम कैसे सती हैं, हम तो सती नहीं है, हमको मालूम ही है। फिर इसी समय में एक सन्यासी आ गए और सन्यासी को पूछते हैं, जैसे कभी कभी भक्त लोग भी कोई किसी के घर में जाते हैं तो घर वाले बोलते हैं क्या प्रभु जी आपको हाथ देखना आता है क्या? तो सन्यासी जब आए तो गोपियाँ भी बोलते हैं कि आपको हाथ देखना आता है बाबा जी, साधु बाबा? हाँ जरूर आता है। तो हाथ देकर के तो बोलो हमारे यहाँ ब्रज में कौन सती है, ठीक है तुम्हारा हाथ लाओ, सबका हाथ देखेंगे, ये तो हमारा काम है। और हम तो दूसरे जगह पे पैसा लेते हैं और ब्रज में जब आए हुए हैं बिना पैसा में हाथ देखेंगे, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। फिर सभी गोपियों का हाथ लेते हैं और ऐसे ऐसे हाथ पकड़ करके ऐसे करते हैं, बड़े आनंद लेते हैं भगवान। वो एक्चुअली कृष्ण ही थे, वो साधु बाबा के रूप में आए हुए हैं। सभी का हाथ देख करके बोलते हैं तुम सती नहीं हो, भागो यहाँ से। सबको बोल दिए सती नहीं है, तो सती कौन है? और बेचारी राधा रानी वो बिल्कुल घर में छुपी हुई है, बिल्कुल लुकायित अवस्था में है, क्योंकि उसके नाम पर ज्यादा बदनाम है, तो भय में नहीं आती है, ऐसे ही तो बदनाम है, फिर बदनाम करने वाला है क्या? और कोई है यहाँ? नहीं नहीं और एक है, लेकिन ठीक है उसको बुलाओ। तो राधा रानी आई, बोले अरे अरे बहुत हाथ देखा, इतना सुंदर हाथ, इतना अच्छे हाथ मेरे जिंदगी में कभी नहीं देखा। बहुत ऐसे ऐसे करके टिपते हैं और आनंद ले रहे हैं भगवान। वो बोलते हैं ये सबसे बड़ा सती है और एकमात्र सती है। ओह अच्छा, अरे साधु बाबा आपको हाथ देखना सचमुच आता है या आप ऐसे भंडामी कर रहे हो, क्या परीक्षा करना चाहते हो? हम साधु बाबा हैं, परीक्षा करो, भेजो उसको यमुना में। यमुना में भेजा गया राधा रानी, वो 1000 छिद्र युक्त मटका लेकर के वो गए और पूरा पानी भर के लाए, एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरी। और उसी पानी को जब कृष्ण के मस्तक पर दिए, कृष्ण बोलते हैं खाली ऐसे नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा हाथ भी लगाओ, पूरा शरीर में पूरा ये जल छुप छुप करके लगाओ। फिर भगवान आराम हो गए। तो कुटिला बोलती है कि देखो सखी, एक सही बात तो यही है कि तुम ही सती हो और तुम कृष्ण के बड़े प्रिय हो, और जितना सारे सखियां आकर के रो रहे हैं, आयन घोष आया, आयन घोष आकर के रो रो करके बोल रहा है कि हे राधे, हे ब्रजदेवी के, हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज के देवता, सभी लोग जानते हैं कि मैं तुम्हारे स्वामी हूं, सभी लोग यही जानते हैं कि तू मेरे स्त्री है, लेकिन मैं आयन घोष यही जानता हूं कि तुम मेरे देवी हो, तुम ब्रज के प्राण हो, तुम ब्रज के देवता हो, तुम ब्रज की अधीश्वरी हो, और मैं तो इसी मानस में मैं तुम्हारी पूजा में दिन रात 24 घंटा मन में करते रहता हूँ, और मैं मन में मैं फूल धूप दीप दे करके मैं तुम्हारी पूजा तुम्हारी आरती उतारता हूँ। तुम्हारे साथ ब्रह्मा जी हमारा इसीलिए विवाह दिया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहे कि ये प्रज्ञा रस का आनंद उठाएंगे, आनंद लेंगे, इसीलिए ब्रह्मा जी मेरे साथ तुम्हारा विवाह प्रदान किए थे। हाँ सचमुच तो यही है, तुम ही एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के ही हो, हमारे नहीं है, और मैं अभी तक तुम्हारे अंग स्पर्श नहीं किया, तुम्हारा कैसा ग्रभ स्पर्श नहीं किया जिंदगी में एक बार भी, मैं कैसे स्पर्श करूं? तुम तो मेरे देवी हो, तुम तो मेरे माते हो, तुम तो ब्रजेश्वरी हो, लेकिन राधे मैं आज तेरे चरण स्पर्श करूंगा, तेरे चरण को पका लूंगा, तेरे चरण धो करके उसी चरणामृत को मैं पान करूंगा राधे। एक प्रार्थना मेरे यही है कि ब्रज छोड़ के मत जाओ, अगर ब्रज छोड़ के चले गए तो ब्रज में कोई बचने वाले हम नहीं हैं, सब मर जाएंगे, श्मशान हो जाएगा। इस हिसाब से सब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थनाणी बिल्कुल पड़ी हुई है, हो सके कि इस मुहूर्त में हो या परवर्ती मुहूर्त में वो मर जाएगी। आपको हम अभी थोड़ा वृंदावन से हम द्वारका लेने वाले हैं, आइए हमारे साथ वृंदावन में चलिए,
एक बार आंख बंद करके एक मिनट के लिए चलिए, सॉरी मथुरा चलेंगे, सॉरी द्वारका चलेंगे हम लोग। वही द्वारका में क्या दशा है? एक दिन तो भगवान उसी दिन क्या है कि जिस दिन यही अवस्था हो रही है, भगवान रात में उस सब समय भगवान के शरीर ही द्वारका में था, लेकिन उनके मन जो है, प्राण जो है ब्रज में, और रात में राधे 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 कह करके मूर्छित हो गए हैं भगवान। भगवान के 16108 रानी जो हैं वो कृष्ण को सचेतन करने के लिए, उनका मूर्छा भंग करने के लिए बहुत प्रयत्न किए लेकिन नहीं कर पाए। भगवान प्रत्येक दिन 3:30 बजे उठ जाते थे। रुक्मिणी देवी कितने भी उनको व्यस्त होकर के कहती थी कि प्रियतम मुझे छोड़ करके मत जाओ, और 2-4 मिनट मेरे साथ सो जाओ। भगवान उठ पड़ते थे, स्नान करते थे, ध्यान करते थे, नाम जप करते थे, पूजा अर्चना करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन उसी दिन 11 बज गया, उठे नहीं भगवान। रोते रोते आंखों में आंसू है, अनर्गल आंसू है, उनका सैया भीग गई है, उनका बालिश तकिया पूरा भीग गई है, पूरा भीग गया है, और भगवान सोए हुए हैं, मूर्छित होकर के सोए हुए हैं। कुछ भी उनको, कोई भी उनको हिला नहीं सकता है। सब चिंतित हो गए, रानी सब रोना शुरू कर दिए। उद्धव बेचारा चिंतित हो गए कि द्वारका का क्या दशा होगा, भगवान का ये दशा है तो। बलराम जी भी जोर जोर से रो रहे हैं। नारद मुनि आकर के पहुंच गए। फिर नारद मुनि बोल रहे हैं कि इनका क्या इलाज है, मैं जानता हूं क्योंकि रोग भी मुझे मेरे पकड़ में आ गया है। इनका रोग जो है ये राधारानी के विरह में, ब्रजवासियों के विरह में, पिता माता के विरह में, गोपियों के विरह में ये बिल्कुल तड़पते रहते हैं, और ये इनको उनको भी ये विरह ज्वर के आवेश में ये आए हुए हैं। फिर ये मूर्छित हो गए हैं, इनका मूर्छा कोई भंग नहीं कर पाएगा, केवल मेरे पास वो इलाज है। ठीक है, आपका पास, आपके पास इलाज है तो अब करो। अच्छा, इसका लक्षण क्या है थोड़ा बतलाओ तो सही। क्या लक्षण बतलाएंगे? सत्यभामा बोल रही है, अरे हम सत्यभामा हैं, हमको ये कृष्ण कह रहे हैं कि राधे राधे तुम कैसे बात नहीं करते हो मेरे साथ। अरे मैं उनकी बीवी हूं, सत्यभामा हूं, फिर भी वो मुझे राधे राधे कर करके बुलाते हैं। रुक्मिणी कहती है, यार ये क्या बड़ी बात हो गई, सुबह सुबह कभी कभी कृष्ण उठते हैं और बोलते हैं कि माँ, मुझे माँ बोल करके बुलाते हैं, भैया भैया मुझे बड़े भूख लगा है, मुझे माखन खाने के लिए दे दो। अरे देखो मैं इनकी बीवी हूं और मुझे मामा करके बुला रहा है, माखन मांग रहा है। कि कितने जोर से ये वृंदावन के बारे में सोचते रहते हैं। ओहो, बिल्कुल हम जो सोच रहे थे बिल्कुल सही बात है, लक्षण के अनुसार बिल्कुल ये हमको पता लग गया कि इनको ये ब्रजभाव में आविष्ट होकर के ब्रजवासियों के विरह ज्वर उनके शरीर में है, फिर वो मूर्छित हो गए हैं। ठीक है, तो फिर क्या किया जाएगा, इलाज कर दो। अरे इलाज करेंगे तो और भी तकलीफ है। क्या तकलीफ है? कि यहाँ वो नहीं रहेंगे, सीधा ब्रज में भागेंगे। ब्रज में भागने से क्या तकलीफ है? अरे ब्रज में भागने से क्या तकलीफ है, ब्रज की अभी यही दशा है कि जो देखेंगे कि निधुवर में राधा रानी मृत्यु सैया में है, सभी लोग बिल्कुल मरे हुए जैसे सोए हुए हैं। तो ये दशा देख करके कृष्ण का भी यही दशा प्राप्त होगा, वो भी मूर्छित हो जाएंगे, उनका भी प्राण नाश हो सकता है, कभी वो द्वारका में नहीं आएंगे। तो फिर क्या किया जाएगा? फिर नारद मुनि बोल रहे हैं कि उद्धव तुम जाओ, जाकर के गोपियों को बोलो तुमने तो दूधगिरी किया है ना, पहले भी तुम दूध बनकर गए थे, अभी भी जाओ एक बार, और सभी को बोलो अरे गोपियां ऐसे नहीं खा पी करके सोने से कैसे चलेगा, कृष्ण आ रहे हैं उनके लिए माला बनाओ, खाना बनाओ, आरती प्लेट बनाओ, कृष्ण आएंगे। उद्धव बोलते हैं कि बात तो सही है लेकिन हमारा भी तो कुछ विचार है, हमने पहले भी गया था, 3 महीना वहां रहा, बहुत कुछ बातें किया, आश्वासन भी दिया, लेकिन मेरे प्रभु क्यों अभी तक ब्रज में नहीं गए और हमको झूठा साबित किए, ये हमें मुझे मालूम पड़ नहीं पड़ रहा है। अगर मैं अभी फिर भी अभी जाऊं वहां तो मेरे पास कोई विश्वास करेगा, कोई विश्वास करेगा? बोला नहीं बात सही है। तो फिर बोलते हैं भैया बलराम आप तो जाओ, मैं जब अगर जाके वहां जाकर के भी बोलूं तो विश्वास नहीं करेंगे। मैंने वादा किया था पिता माता को कि माता पिता आप थोड़ा धीरज रखो, मैं जरूर कृष्ण को भेजूंगा, लेकिन कृष्ण को मैं भेज नहीं पाया, बहुत चेष्टा किया ये नहीं गया अभी तक।
अभी वो रो रहा है। फिर सुभद्रा देवी आकर के बोलती है, ठीक है भैया मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं महिला हूं ना, मेरे बात महिलाएं विश्वास कर लेगी, मैं तो जाकर के पिता माता के गोद में बैठ जाऊंगी, नंद बाबा और यशोदा मैया के गोद में, और मेरे आंचल में उनके आंखों पूछ दूंगी उनके आंसू, और मैं फिर बोलूंगी कि भैया पिताजी, अरे गोपियां धीरज रखो, मेरे भाई आ रहा है, तुम बिल्कुल, क्योंकि वो देरी हो रहा है इसलिए विलंब हो रहा है क्योंकि वो तो राजा है ना, जब राजा जब आता है तो बहुत सारे लोग उनको संवर्धना करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनका आरती उतारते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो बेचारा कैसे जल्दी चले आएगा, आ रहा है लेकिन रास्ते में है, ऐसे बोलूंगी तो लोग विश्वास कर जाएंगे, फिर वो लोग सुस्त हो जाएंगे। हमारे रथ की तैयारियां करो, सुभद्रा देवी का रथ तैयार हो गया। फिर बलराम सोच रहे हैं कि मैं बहन को अकेले अकेले मैं कैसे छोड़ूं, ये तो उचित नहीं है, मैं बड़े भैया हूं। सुभद्रा लालन व्यग्र, सुभद्रा को लालन पालन करने में जो व्यग्रता प्रकाश करते हैं, उत्साह प्रकाश करते हैं। फिर सोचे कि जब ये सुभद्रा जाएगा, फिर इसके बाद कुछ समय के बाद जब इलाज हो जाएगा, मूर्छा भंग हो जाएगा, तो मेरा कन्हैया भी तो जाएगा ब्रज में, तो मेरे भैया और बहन दोनों को मैं कैसे अकेले अकेले छोड़ दूं, तो मेरे भी रथ की तैयारियां करो। बलराम का भी रथ तैयार है, दोनों आगे आगे चल पड़े ब्रज की तरफ, ब्रज की तरफ जा रहे हैं। फिर इसके बाद नारद मुनि बोलते हैं, उद्धव ये कृष्ण के भी रथ तैयार होना चाहिए, क्योंकि जब मैं इनको बिल्कुल मूर्छा भंग कर दूंगा, ये कृष्ण भी यहां नहीं रहेंगे, सीधा दौड़ना शुरू करेंगे, उनका भी रथ रेडी हो गया। फिर इन्होंने ब्रज के गान, ब्रज की लीला गान किए बिना बजा बजा करके। जब ये बिना बजा करके ब्रज की लीला को गाए, तब फिर क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण तुरंत उठ गए, और उठ करके वो बोल रहे हैं कि मेरा बांसुरी कहाँ है, अरे मेरे बांसुरी कहाँ है, मेरे बांसुरी कहाँ है, अरे बांसुरी वाले तुम तो बांसुरी को जाकर के मैया के पास डिपोजिट करके आए हुए हो, यहाँ द्वारका में तुमको कहाँ से बांसुरी मिलेगा। बांसुरी ढूंढते ढूंढते देखते हैं कि वहाँ उद्धव है, भगवान तो सोच रहे हैं कि वो ब्रज में है। फिर उद्धव को बोल रहे हैं कि अरे उद्धव तुम ब्रज में कब आ गया, ब्रज कुछ कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, चुपचाप खड़े हुए हैं भय में कि मैं कैसे बोलूं कि ये ब्रज नहीं है, ये द्वारका है। फिर नारद को देखे, सोच के नारद भी यहाँ है, अरे डाल में कुछ काला लगता है भाई, अरे मैं कहाँ हूं, अरे मैं ब्रज में हूं ना, दूसरे कहीं में हूं। दोनों हाथ जोड़ करके बोलते हैं, प्रभु तो आप तो द्वारका में अभी भी है। फिर भगवान बोलते हैं कि मैं मुझे ये इस द्वारका में कौन लेकर के आया, इस द्वारका में मेरा कोई काम नहीं है, मैं तो ब्रज के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता हूं, मैं तो राधा रानी के बिना, गोपियां के बिना एक क्षण भी मेरे लिए जीना कठिन है, मैं अभी ब्रज में जाना चाहता हूं, बोल करके फिर भगवान मारे दौड़। जब भगवान दौड़ रहे हैं, उद्धव जाकर के बोलते हैं, नारद मुनि जाकर के बोलते हैं, प्रभु हम जानते थे कि आप मूर्छा भंग होने के बाद आप जरूर ब्रज में चलेंगे, इसलिए आपका रथ भी रेडी है, आप रथ पर बैठिए। लेकिन भगवान रथ के ऊपर बैठने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हिम्मत नहीं, कोई शक्ति नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, उसीलिए दोनों उद्धव और नारद और जितना सारे थे सब मिल करके कृष्ण को उठा रहे हैं। जैसे आप जगन्नाथ जी को देखते हैं, पंडी विजय होता है, पंडी विजय में भगवान का स्वयं नियंत्रण नहीं रहता है, बिल्कुल मतवाले जैसे वो दारू ब्रह्म क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे 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 करके जाते हैं, और पंडे लोग क्या करते हैं, दैतापति लोग उनको दौड़ी में रस्सी में बांध करके उनको कैसे भी लेकर के ऊपर में बैठाते हैं रथ के ऊपर। उसी तरह भगवान का भी कोई नियंत्रण नहीं है अपने शरीर के ऊपर। उद्धव और नारद ने दोनों उनको पकड़ करके कैसे भी लेकर के रथ के ऊपर बैठाए और रथ आगे बढ़ा। इसके पहले सुभद्रा देवी और बलराम पहला बलराम, उसके बाद सुभद्रा देवी, दोनों का रथ जो है ब्रज में पहुंच गया, जहां निधुवन में राधा रानी सोए हुए हैं और पूरा ब्रजवासी वहां है, मरे हुए पड़े हुए हैं सब। और ये लोगों का ये दशा देख करके, ब्रज की दुर्दशा देख करके बलराम और सुभद्रा मैया ने स्तंभित हो गए, और इनके
ब्रज भाव में आविष्ट होकर के इनके आंख जो है प्रशस्त हो गया, बहुत बड़ा बड़ा हो गया, विस्फारित हो गया, हाथ और पैर बिल्कुल कच्छप के जैसे बिल्कुल अपने शरीर में समेट लिए, बहुत बड़ा प्रसन्नता के हंसी है मुंह में, और लकड़ी के जैसे वो बिल्कुल मूर्छित होकर के ब्रज के भूमि में लोटपोट खा रहे हैं। मानो ये राधा रूपी हृदय रस हृदय के राधा हृदय रूपी समुद्र में ये बिल्कुल तैरते रहते हैं। कृष्ण के रथ आया तो कृष्ण के जब रथ आकर के ब्रज के ब्रज में जब पहुंचा रिधुवन के आसपास कहीं, फिर भगवान कृष्ण ने एक छलांग लगाई रथ के ऊपर से, वो भी चल नहीं पाते हैं, बोलते हैं कि राधे दही पद पल्लव मुदारम, तुम्हारे दो चरण दो पाद पद्म मेरे सर के ऊपर रखो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, राधे दही पद पल्लव मुदारम कह करके मूर्छित हो गए। ये बड़े बहन इनके बड़े भैया और छोटे बहन के जैसे इनका भी ये भाव प्राप्त हो गया, इनका भी आंख विस्फारित हो गया, हाथ और पैर बिल्कुल समेट लिए शरीर में कच्छप के जैसे, और बिल्कुल शुष्क काष्ठवत उन्होंने भी ऐसे पड़े हुए हैं ब्रज में और लोटपोट खा रहे हैं और मूर्छित हो गए हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण वहीं पड़े हुए हैं, उसमें एक ऐसा बात है, भगवान के श्री कृष्ण के अंग में एक गंध आता है, सौरभ आता है, सुंदर गंध निकलता रहता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, कृष्णांग सौरभ वर मृग मद मदहर नीलोत्पलेर हरे गर्भधन जगत नारी नाशा तार भीतर पाते भाषा नारी गणे करे आकर्षण सौरभामृत संप्लवावृत जगत सौरभ्यामृत सौरभ रूपक अमृत ये पूरा जगत को प्लावित कर देता है। ये मंद मंद समीरण जो है, ये मंद मंद समीरण कृष्ण के अंग गंध को लेकर के गोपियां के नाक में घुस गई। गोपियां जब देखे कि अरे ये तो कृष्ण के अंग के गंध है, फिर उनको पता लग गया कि फिर बोल रहे कि राधे राधे कृष्ण आ गए हैं, कृष्ण आ गए हैं, तो कृष्ण आ गए हैं ये सुने, और राधारानी के भी नाक में ये कृष्ण के अंग गंध जाकर के प्रविष्ट हुआ, तो फिर राधारानी भी जग गए, और राधारानी जग गए और देखे हैं कि कृष्ण बलराम और सुभद्रा देवी इसी अवस्था में पड़े हुए हैं। वो देख करके बड़े व्यथित हो रहे हैं कि हमारे प्रियतम हमारे तरह हमारे जैसे हमारे बारे में चिंता करते रहते हैं, और आज इनको यही दशा प्राप्त हुआ है। देखो देखो राधा भाव विभावित तो होकर के गोपी भाव विभावित तो होकर के मेरे कृष्ण ने किस दशा को प्राप्त किए हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं भगवत गीता में, मनमना, मैं जो पहले की बात बोल रहा था अभी याद कीजिए, मनमना मेरे बारे में सदा सर्वदा स्मरण करो। अगर भगवान बोलते हैं कि ये जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तदैव भजाम्यहम्, अगर मुझे कोई बिल्कुल तन्मय होकर के मनमना होकर के मेरे चिंतन करता है तो मैं भी उसको चिंतन उसी तरह करता हूँ, वो जो मुझे जिस तरह के भजन करता है मैं भी उसी तरह से उसका भजन करता हूँ। तो भगवान भी उसे चिंता कर रहे हैं। और फिर इनका मूर्छा कैसे भंग होगा, एक बार तो ब्रजलीला करके मूर्छा भंग किए थे नारद मुनि, तो सखियाँ को बोलकर बोलते हैं राधा रानी, अरे सखियाँ मेरे प्रियतम को तो ठीक करो, सुस्त करवाओ। तो फिर राधा रानी सखियाँ जाकर के क्या करते हैं, राधा रानी के कान में बोलते हैं, राधे 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 राधे, जोर से बोलिए, राधे 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 राधे, जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, जय श्री राधे 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 राधे। जब से राधे 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 कीर्तन जब किए कृष्ण के कान में, कृष्ण बलराम और सुभद्रा देवी ये शब्द सुन करके वो भी बिल्कुल उनका जो बीमारी या उनके जो विरह ज्वर था सब खत्म। बस गोपियों के साथ राधा रानी के साथ पिता माता के साथ कृष्ण बलराम सुभद्रा देवी मिल रहे हैं, विरह व्यथा बिल्कुल दूर हो गया। हाँ, और पूरा रात भर आनंद किए, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। मंगल आरती के समय आ गया, फिर ललिता आदि सखीगण आरती कर रही, ललिता आदि सखीगण आरती उतारे, तो भगवान कृष्ण तो बोलते हैं कि राधे गोपियां देखो देखो ये मेरे बड़े भैया जो बलराम है और मेरे बहन सुभद्रा है, आज मुझे ब्रज में आने के लिए इन्होंने सहायता किया, उसीलिए मैं इसी रूप में
जिसी रूप में तुम्हारे यहां ब्रज में लोटपोट खाता था तुम्हारे दशा देख करके, इसी रूप में मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में, मैं नीलाचल धाम में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में मैं प्रकट होऊंगा, मैं दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा, और जो मेरा दर्शन एक बार कर लेगा बस उसका बीड़ा पार हो जाएगा, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो मुक्त हो जाएगा। वो मेरे ऐसा धाम है, एक गधा भी वहां प्रवेश कर लेता है वो फिर चतुर्भुज मूर्ति वाला हो जाता है, विष्णु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। मेरा जो रूप है केवल लकड़ी में बनाया जाता है, इसीलिए दारू ब्रह्म नहीं है। दारू ब्रह्म मतलब दारोति दारू, जो कि दर्शन मात्र से भक्त लोग अपना जन्म मृत्यु जरा व्याधि तिताप दुख पाप ताप सबको बिल्कुल नष्ट कर देते हैं, दारयति ध्वंस कर देते हैं भगवान केवल दर्शन देकर के, उसलिए उनका नाम है दारू ब्रह्म। और आज इस रथ यात्रा में हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए भगवान उसी स्वरूप में आकर के प्रकट हुए हैं, प्रेम स्वरूप है ये भगवान का। मेरा समय हो गया, मैं माफी चाहता हूँ 10 मिनट ज्यादा बोल दिया हूँ, अगर हमारी हिंदी बोलने में कोई गलती हो या हमारे बंगाली भक्त लोग अगर इसमें समझने में कोई तकलीफ हो तो मुझे माफ कर देना, मुझे यही इरादा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। हरे कृष्णा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। और समय हो तो शाम को 15-20 मिनट चैतन्य महाप्रभु कैसे, वही कृष्ण है और चैतन्य महाप्रभु किस भाव में जगन्नाथपुरी में रहते थे, इसके बाद में हम लोग रात में बोल सकते हैं। हरे कृष्ण।